अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कुछ मैं आपके लिए थोड़ा चेंज लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक लिफ्ट एनिमेशन बनाना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, लिफ्ट की एनिमेशन आप कैसे बनाएंगे, तो लूमियन में आप ये एनिमेशन ईजीली बना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ टाइप हैं, काफ़ी लोगों को एनिमेशन के बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको लाजमी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकान को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ से मैं कोई बड़ा लम्बा चौड़ा वो एक प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा, सिंपली आपको एक आइडिया दूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह एक लिफ्ट की एनिमेशन बनानी है। ये आपके सामने, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ लिफ्ट्स होती हैं, उसमें जो उसकी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से एक, मेरे पास ये एक सैंपल है लिफ्ट का सैंपल, तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ आपको एक एज ए सैम्पल बताने के लिए कि आप इसको कैसे, आप एक, आपने ऐसा करना है कि जो भी आपकी जो लिफ्ट मटेरियल होता है उसका जो ऊपर वाला केस और जो अंदर एनिमेशन जो होती है, एनिमेशन आपका जो एनिमेशन यूनिट होगा, आपका एनिमेशन सेल होगा, कैप्सूल होगा, वो आपने अलहदा मॉडल बनाना है। दोनों के आपके मॉडल अलहदा अलहदा होना चाहिए। अगर के आपका मॉडल दोनों एक ही होंगे, एक ही बार आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका ये जो एनिमेशन है ये ठीक नहीं होगी, और ना ही आप अलहदा अलहदा, क्योंकि एक जब मॉडल आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें एक परमानेंट एक ही यूनिट होता है, तो आपने अलहदा अलहदा दूसरा भी जो इंटरनल जो इसका है सेल वो अभी इंपोर्ट करेंगे, तो इंटरनल सेल को आप यहाँ पे इसके अंदर जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको एक लिफ्ट का समान बन जाएगा कि आपने ये एक लिफ्ट बनाई होती है। मैं यहाँ से कोई बिल्डिंग भी इंपोर्ट कर लेता हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये बिल्डिंग के साथ आपने इसको कैसे अटैच करना है। ये मैं बिल्डिंग ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं एज ए आइडिया आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको करना किस तरह है। अभी यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको जो है मैं मूव करवा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। इसका जो भी आपने काम करना होता है तो उसका यहाँ से ये वाले ऑप्शन, जो मैंने मॉडल इंपोर्ट किया है तो मॉडल के ये वाले ऑप्शन ओके होने चाहिए, तो ऑन होने चाहिए, तो उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा रिसाइज करता हूँ तो ये यूनिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इस वाले यूनिट को भी थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं ये ताकि ये यूनिट थोड़ा बड़ा हो जाए। अभी इसको देनी है एनिमेशन। एनिमेशन किस तरह देनी है, यहाँ पे आप मटेरियल अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, जो आपका दिल चाहता है। प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम नहीं लगता, हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, मेरा काम है आपको एक कंसेप्ट देना कि आपने इसको किस तरह करना है, तो आपका काम है उस चीज़ को फॉलो करके आपने उसको जो है उसको अप्लाई करना अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मैं इसकी मूवी में चला जाता हूँ, रिकॉर्ड वीडियो में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको आप एक शूट ले लें, ठीक है, करीब जाकर दूसरा ले लें, जो आपकी वीडियो है जिस तरह, ये भी देखें इसका जो सेल है वो बिल्कुल साइड पे है, ठीक है। तो इसको पहले इसकी जो सेटिंग है वो आप कर लें सेटिंग इसकी,
यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे कि आपका जो ये है ये सेंटर में है या नहीं है। तो आप इसको जो है वो सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं ताकि आपको आपकी जब एनिमेशन हो तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने आपके पास फुल कंट्रोल आ जाएगा और अपनी मर्जी से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी मटेरियल में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन थोड़ी कम कर लेते हैं आपके जो इंटरनल आपको इंटरनल है वो नज़र आए। अभी यहाँ पे दोबारा रिकॉर्ड में चले जाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं, मैं इसलिए ये वीडियो में रिमूव नहीं करूँगा ताकि आपको इन मिस्टेक का पता चले और आप इन मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, ये आपने पहले अपनी जो इसकी सेटिंग होती है ये आपने सेटिंग इसकी कंप्लीट करनी है। ये मेरे पास तकरीबन 8 सेकंड की वीडियो बन गई है, इसको मैं ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, एफ एस इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के सीन एंड एनिमेशन पे चले जाना है और आपने ये जो मूव वाला है, ये जो सेंटर मूव, एक है एडवांस मूव, मास मूव, इनका आपको पता होगा, लेकिन आपने खाली ये मूव का जो सेंटर वाला है ये आपने प्रेस करना है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ है। अगर मास मूव में कुछ और, अभी देखिए कि ये जो खाली मूव वाला मेन्यू है इसमें ये बड़ी एक सिंपल सा, ये आपके पास जो है मूव है ये अप एंड डाउन है, मूव वर्टिकल्स में है, ये काफ़ी सारी इसमें रोटेट में है मूव, ये काफ़ी साइज में है, बड़ा छोटा, एक चीज़ बड़ी होती है छोटी होती है, तो ये रोटेट, ये सारी चीज़ें इस मूव में है, लेकिन हम यहाँ पे मूव वर्टिकल में करेंगे। यहाँ से मेरा स्टार्ट पोजीशन है, ये स्टार्ट पोजीशन है और मेरी एंड पोजीशन क्या होगी, अभी ये दरमियान वाला सेल है, यहाँ पे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और इसको जो है शिफ्ट वाला बटन प्रेस ना करें, या करें, अगर करेंगे तो ये जो है आराम से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आराम से ऊपर जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो ये यहाँ तक मेरी जो है अभी इसका जो एंड प्लेस है, अगर मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा दिल चाहता है वहाँ तक मैं लेके जाना चाहता हूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन तकरीबन मैं इसको यहाँ तक रखूँगा। ठीक है, ये इतनी मेरी जो फर्स्ट और एंड 8 सेकंड में ये जो मेरी एनिमेशन है ये सिर्फ नीचे से लेके ऊपर तक जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ, वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। तो अब ये अभी देखेंगे कि ये जो सेल है ये नीचे से ऊपर लिफ्ट लिफ्ट के थ्रू, जैसे बंदे इसमें बैठे हुए हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा है। इसी तरह आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपने ये एनिमेशन लाजमी जो यूज़ करनी है, जो मास मूव है उसको, उसका उसका यूजेज कुछ और है। उसके बाद खाली मूव, जो मूव है वो एनिमेशन के लिए, जो मूव का ऑप्शन है वो एनिमेशन के लिए किसी और तरीके से यूज़ होता है, लेकिन जो एडवांस मूव है उसमें कुछ और तरीका कार है एनिमेशन का। तो ये लोमियन में जो एनिमेशन होती है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है और मुख्तलिफ ऑप्शन से होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मास मूव, मूव एडवांस मूव, नियर क्लिप प्लान, वर्टिकल कंट्रोल, ये टाइम वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्काई ड्रॉप, ये ऑलरेडी मैं कुछ बता चुका हूँ कि इसमें और क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट है आपको इसके लिए, जो लिफ्ट के लिए परफेक्ट है वो सबसे ये है, जो व्हीकल और करेक्टर एनिमेशन के लिए है उसके लिए ये मास मूव जो है ये बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन है। लेकिन इसके लिए मैं यही यूज़ करता हूँ कि आपने अगर कोई लिफ्ट की एनिमेशन बनानी है तो आपने किस तरह लिफ्ट एनिमेशन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये लाजमी हेल्पफुल होगी, आप इससे लाजमी फ़ायदा उठाएंगे और आपको इससे लाजमी रहनुमाई
बनेगी। जो आपके दिल में कोई सवाल होता है या कोई बात होती है तो आप कमेंट्स में लाजमी वो मुझे शेयर किया करें। जहाँ से कोई मिस्टेक होती है, जहाँ से मैं कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ से कैसे है, किसी बात की समझ नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट्स भी किया करें जिस बात की समझ नहीं आती। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।